वेलकम डर स्टूडेंट्स माई सेल्फ रिश्मा कपूर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से होने वाले पीजे एंट्रेंस एग्जाम के लिए आज हम बॉटनी लाइफ साइंसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं ये बॉटनी एंड लाइफ साइंसेज दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है रोजिटिव फॉर्म ऑफ कैबेज कैन बी चेंज टू तो नॉर्मल फॉर्म बाई एप्लीकेशन ऑफ विच फाइटो हार्मोन मीन्स रोजिटी फॉर्म को हम किस हार्मोन के एप्लीकेशन से नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ऑक्सिनस और इंडोल एसिटिक एसिड साइटोकाइन इथाइलिन और जिब्रेलिन यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है जिब्रेलिन इसको यूज़ किया जाता है बोल्टिंग इफेक्ट के लिए तो इस तरह से अगर हमने इस्टेम का लॉन्जिट्यूडिनल ग्रोथ करनी है इलॉन्गेशन करना है तो हम जिब्रेलिन का यूज़ करेंगे जिससे कि रोसिटी फॉर्म भी नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो जाती है नेक्स्ट बायो एसिव फॉर चिप्रेलिन इस चिप्रेलिन का बायो ऐसे हम किससे कर सकते हैं एविना कोलिपटाइल टेस्ट द्वारा एल्फा एमाइलेस इंडक्शन इन सीरियल एंडोस्पम्प कैलस फॉर्मेशन इन टोबिको फ्रॉम पिट टिश्यूज नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एब्सीशन लेयर इन कॉटन तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है अल्फा एमाइलेस इंडक्शन इन सीरियल एंडोस्पम्प नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीन स्टिमुलेट सेल डिविजन इन प्लांट्स एंड कोर्स ऑफ डिफरेंशिएशन तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन के साथ में कौन सा हारमोन हम कॉम्बिनेशन में लें जो कि सेल डिविजन को स्टिमुलेट करेगा इथाइलिन इंडोलैसिटिक एसिड चिप्रेलिन एंड साइटोकाइनिन ऑप्शन डीज राइट एयर साइटोकाइन को हम अपने टिश्यूकल्चर एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन के साथ में मिलाते हैं कि सेल का डिवीजन स्टिमुलेट होता है ऑक्सिन ये रूट इनिशिएशन को स्टिमुलेट करता है एंड साइटोकाइनिन शूट का इनिशिएशन करता है नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड अंडर वाटर डेफिशिएंट कंडीशन एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द टॉलरेंस ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट इन ड्रॉट मीन्स कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है फाइटो हार्मोन है जो कि वाटर डेफिशिएंट कंडीशन में जब पानी की कमी हो जाती है उस समय ये प्रोड्यूस होता है उस समय इसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है प्लांट को ड्रॉट कंडीशन में प्रोटेक्ट करके रखता है एप्सिसिक एसिड साइटोकाइनिन इथाइलिन एंड चिप्रेलिन तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है एप्सिसिक एसिड इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन वाटर डेफिशिएंट की कंडीशन में एब्सिसिक एसिड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है ज्यादा अमाउंट में ये बनता है जिससे कि क्या होता है स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो ट्रांसपीरेशन की जो रेट है वो रिड्यूस हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीफ एब्सीशन इज फॉलोड बाय लीफ सेनेसिस इट्स रेगुलेटेड बाय हार्मोन एब्सिसिक एसिड प्रोडक्शन बाई पिट्योल सेल्स लीव का जो एप्सिशन है ये एसोसिएटेड होता है इथक्शन के साथ में पिट्योल सेल्स के द्वारा इथाइलिन का प्रोडक्शन होता है इथाइलिन का लेवल जब इंक्रीज होता है तो ऑक्सीन का जो लेवल है वो डिक्लाइन हो जाता है डिक्रीज हो जाता है जिसके कारण क्या होता है एप्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन स्टिमुलेट होता है देन एप्सिसिक लेयर बनती है तो इस तरह से लीव एप्सीशन और फ्रूट एप्सिशन भी आ सकता है यह एसोसिएटेड होता है इथाइलिन प्रोडक्शन के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट डज लीव एप्सीशन हैविंग कॉमन विथ फ्रूट राइपनिंग मीन्स यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है कि लीफ एप्सीशन और फ्रूट राइपनिंग में दोनों प्रोसेस में क्या कॉमन है स्टेटमेंट देखते हैं बोथ इन्वॉल्व सेल्स आ, स्वेलिंग बोथ आर इंड्यूस्ड बाय इथाइलिन बोथ इन्वॉल्व द डिसूशन ऑफ द सेल वाल बाई सेलुलेस और बोथ आर इनहिबिटेड बाई ऑक्सीन यहाँ पर ऑप्शन बी सही है दोनों ही इंड्यूज होते हैं इथाइलिन के साथ में का लेवल जब इंक्रीज होगा तब एप्सीन होगा फ्रूट राइटनिंग होगा इथाइलिन का इंक्रीज लेवल ऑक्सीजन को डिक्लाइन कर देता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्सिसिक एसिड कंट्रोल्स विच ऑफ द फॉलोविंग एप्सिसिक एसिड किसको कंट्रोल करता है एप्सिसन को फ्रूट क्लाइमेट्रिक को स्टोमेटल क्लोजर को और सेल इलोंगेशन को तो एप्सिस एसिड कंट्रोल करता है स्टोमेटा की मूवमेंट को स्टोमेटा क्लोजर को जिस समय स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है वाटर की कमी हो जाती है एप्सिसिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है जिससे कि स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं नेक्स्ट है थोड़ा से स्टूडेंट्स आप लोग प्लीज स्पेलिंग मिस्टेक्स को इग्नोर uh, कर देना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू साइटो साइटोकाइनिन से क्या रिलेटेड नहीं है तो जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन है आप कोशिश करो साइटोकाइनिन के बारे में आपने क्या पढ़ा है कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको पता होने चाहिए सभी प्लांट हार्मोन्स के ठीक है यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिए आप देखना फिजियोलॉजी के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट होता है हार्मोन वाला चैप्टर रेस्पिरेशन है फोटोसिंथेसिस है तो साइटोकाइनिन से क्या रिलेटेड नहीं है प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस Promotes chloroplast maturation, cause Richmond length effect, promotes nutrient mobilization. सो ऑप्शन ए इज राइट या एपिकल डोमिनेंस साइटोकाइनिन से रिलेटेड नहीं है यह ऑक्सिन से रिलेटेड है जिसमें एपिकल बर्ड के कारण क्या होता है लेट्रल बर्ड्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है ठीक है लेकिन जो साइटोकाइनिन है वो क्लोरोप्लास्ट मैचोरेशन भी करता है क्लोरोप्लास्टिक डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड होता है ठीक है रिचमंड लैंग इफेक्ट ये भी साइटोकाइनिन से रिलेटेड है एंड न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन भी रिलेटेड है तो जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, तो हमारा क्या है भी तो क्लियर हो रहा है हमारा ठीक है, हमने हुआ है, उस रिकॉलिंग हो रही है। हमें याद आता जा रहा है इसलिए बच्चों, बहुत जरूरी है आप जो भी टॉपिक पढ़े उससे रि, रिलेटेड कम से कम पचास क्वेश्चन आपने जरूर करने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट के डायरेक्शन में प्लांट का रिस्पॉन्स इसे प्लांट टू दी एब्सेंस ऑफ लाइट लाइट की एबसेंस में प्लांट का रिस्पॉन्स इसे प्लांट्स रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन दी अमाउंट ऑफ लाइट इन द ट्वेंटी फोर आवर पीरियड मीन्स ट्वेंटी फोर आवर पीरियड में चौबीस घंटे के समय में लाइट के अमाउंट में जो भी चेंज होता है उसके अकॉर्डिंगली प्लांट का रिस्पॉन्स और प्लांट रिस्पॉन्स टू प्रेजेंस ऑफ लाइट लाइट की प्रेजेंस में प्लांट का सो so के लिए जो डेफिनेशन है वो ऑप्शन सी है नेक्स्ट वर्नेलाइजेशन वर्नेलाइजेशन क्या है प्रिपेयर प्लांट फॉर फ्लावरिंग फ्लावरिंग इज अ लो टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन ऑल ऑफ द आर ट्रू वर्नेलाइजेशन इज अ प्रिपेयर प्लांट फॉर फ्लावरिंग ये प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए तैयार करता है सो ऑप्शन ए इज राइट ईयर एंड वर्नेलाइजेशन के लिए जो परसिविंग ऑर्गन होता है वो शूट एपेक्स होता है नेक्स्ट टू ब्रेक डॉर्मेंसी इन सीड विथ र्यूडिमेंट्री एम्ब्रियो। ऐसा सीड जिसमें र्यूडिमेंट्री एम्ब्रियो में जो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है उस सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे वन शुड सोक द सीड टू रिमूव इनिबिटर्स स्कैरिफाइड टू ब्रेक द सीड कोट मीन्स सीड कोट को खुरचना जर्मिनेट अंडर रेड लाइट टू प्रमोट जर्मिनेशन और नन ऑफ दिस विल वर्क सो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है इस तरह की सीड के लिए अगर हम डॉर्मेंसी ब्रेकिंग के इन मेथड्स को अप्लाई करेंगे तो भी डॉर्मेंसी ब्रेक नहीं होगी नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्टिक मूवमेंट क्या है ऑप्शन देखते हैं इज द मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन इज डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस अकर्स ड्यू टू डिफरेंशियल ग्रोथ इज ए पैराटोनिक मूवमेंट तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन सही है हमको ये देखना है टैक्टिक मूवमेंट के लिए जो पी वाला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है इट इज अ मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन इट्स डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस तो ये भी सही है ठीक है इस डाय जहाँ से भी जो स्टिमुलाई मिल रहा है उसके डायरेक्शन में होता है इट इज़ अ पैराटोनिक मूवमेंट सो ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है स्टेटमेंट आर अकर्स ड्यू टू डिफरेंशियल ग्रोथ डिफरेंशियल ग्रोथ के कारण नहीं होता है ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है तो यहाँ पर पी क्यू एंड एस सही है ऑप्शन सी इज़ राइट या टेक्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है मूवमेंट ऑफ क्लेमेडोमोनास एल डी नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमेरेज एंजाइम यूज इन पीसीआर पीसीआर में जो पॉलीमेरेज एंजाइम काम में लेते हैं वो क्या है डीएनए पॉलीमेरेज फर्स्ट टैक पॉलीमेरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और डीएनए पॉलीमेरेज सेकंड तो पीसीआर में जो हम पॉलीमेरेज एंजाइम काम में लेते हैं वो टैक पॉलीमेरेज है ऑप्शन बी इज राइट एयर इसको थर्मस एक्विटिकस आर्किबेक्टेरिया से निकाला गया है ये हाई uh, टेम्परेचर में भी स्टेबल रहता है मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में भी ये वाला जो एंजाइम है ये स्टेबल होता है इसलिए इसको हम पीसीआर में यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीआर एम्प्लीफिकेशन साइकिल इन्वॉल्व पीसीआर एम्प्लीफिकेशन साइकिल में क्या होता है टेम्पलेट डीनेचुरेशन प्राइमर एनिलिंग डीएनए पॉलीमराइजेशन रिएक्शन मिक्सचर कंटेनिंग टारगेट डीएनए प्राइमर थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनटीपीएस और ऑल ऑफ़ द अब सो ऑप्शन ई यहाँ पर राइट है ये सभी पीसीआर साइकिल में इन्वॉल्व होते ए बी सी डी सभी ऑप्शन यहाँ पर राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन है छोड़कर क्रॉप प्लांट्स में जीन इंट्रोडक्शन में हम किस को यूज कर सकते हैं टी आई प्लाजमेट पार्टिकल गन ब्रीडिंग एंड ऑक्सीन ऑप्शन डी इज राइट इक्सीन नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रोपेक्टेरियम ट्यूमिफेशन्स इज एन इफेक्टिव वेक्टर फॉर यूज विथ कॉर्न राइस व्हीट एंड सोयाबीन मीन्स एग्रोपेक्टेरियम ट्यूमिफेशियंस जिसको हम एज ए वैक्टर यूज करते हैं ये इसको हम कहाँ पर यूज़ करेंगे कॉर्न के लिए राइस के लिए व्हीट के लिए या सोयाबीन के लिए अब ये जो एग्रोपेक्टेरियम ट्यूमिफेशियंस है जिसके पास में टी आई प्लाजमिट होता है जो कि अपने होस्ट के जीनोम के साथ में इंटीग्रेट हो जाता है और ट्यूमर को इंड्यूस करता है ये जो बैक्टीरिया होता है यह आपने पढ़ा होगा डाइकोट वुडी प्लांट की रूट हेयर्स के साथ में कांटेक्ट में आता है और ट्यूमर को इंड्यूस करता है तो यहाँ पर कौन है राइस है वीट है ये मोनोकोट प्लांट्स हैं ठीक है ओनली सोयाबीन इज़ डाइकोट प्लांट हेयर तो कहाँ पर ये इफेक्टिव होगा एज ए वैक्टर जब हम इसको सोयाबीन के लिए यूज़ करेंगे क्योंकि तो डाइक्रोड रूट के साथ ही ये इंटरेक्ट करेगा और ट्यूमर को इंड्यूस करेगा इसका प्लाज्मे वो तब हम एज ए, ए, ए वैक्टर यूज कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ विच कैन बी यूज टू क्लोन लार्ज डी एन ए फ्रेगमेंट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ठीक है अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का देखो बेनिफिट क्या होता है जैसे आपने बाघ पढ़ा इसका फुल फॉर्म आपको एकदम से स्ट्राइक कर गया होगा बैक्टेरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इट मीन्स ये जो जो ये जो वेक्टर है ये इसको जो है हम क्लोनिंग में लेते हैं यूज़ तो ये आर्टिफिशियली है नेचुरल नहीं है ठीक है नाम से पता चल रहा है और दूसरा इसको यूज़ किया जाता है लार्ज डीएनए एन को क्लोन करने में अब इसको बनाया किससे ये हमको देखना है सी ओ आई ई प्लाजमिट से ये एफ प्लाजमिट से एफ प्लाजमिट एंड टू माइक्रोन प्लाजमिट से और म्यू फेज से तो ये जो बाग है इसको एफ प्लाजमिट से सिंथेसाइज किया गया है नेक्स्ट है अ क्लोनिंग वेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ कोसाइट इंसर्टेड इन अ प्लाज्मिट ठीक है एक क्लोनिंग वेक्टर जिसमें एक कोईट है उसको प्लाज्मिट में इंसर्ट किया गया यूज टू क्लोन डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ फ्रेगमेंट फेज जिसका हम यूज करते हैं लेमडाफेज ये डी एन को क्लोन करने में तो कौन सा क्लोनिंग वेक्टर है इसका मतलब क्या हमसे पूछा गया है कि कौन सा आर्टिफिशियल वेक्टर है जिसमें साइट भी है और इसको साइट को किस में इंसर्ट किया है प्लाज्मिट में इंसर्ट किया है उसके इंसर्शन के बाद ये क्लोनिंग वेक्टर बना है और ये क्लोनिंग वेटर यूज़ किया जाता है लेम्डा फेज के डीएनए को क्लोन करने के लिए इज दिस फैचमिट और क्लोजमिट और प्लाजमिट और याक यार ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो क्लासमिट है क्लाजमेड में का को uh, के साथ में insert कर इंसर्ट करके बनाया है जिसका यूज किया जाता है लेमडा फेज के डीएनए एन को क्लोन करने में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम याक के कौन कौन से कॉम्पोनेंट नहीं है सेंट्रोमियर टीलोमियर ओरिजन ऑफ रेप्लीकेशन और क्लोसाइट ऑप्शन डी इज राइट या क्लोजसाइट क्लोसाइट क्लॉजमेट में है ठीक है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम में सेंट्रोमियर भी है टीलोमियर भी है ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन एक ऐसा पार्ट होता है जो कि सभी वेक्टर में होता है नेक्स्ट है हैप्लोइड्स आर यूजफुल फॉर हैप्लोइड्स कहाँ पर यूजफुल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ हैप्लोइड कैलस प्रोडक्शन ऑफ होमोजीनस डिप्लोइड्स प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और इंटेंसिव एग्रीकल्चर में तो जो हैप्लोइड्स होते हैं ये वाइडली यूज किए जाते हैं होमोजीनस प्लांट्स बनाने में ठीक है होमोजीनस डिप्लोइड्स बनाने में तो ऑप्शन बी इज राइट एयर नेक्स्ट है क्लोनल वेरिएशन कैन बी एडवांटेजियस अकॉर्डिंग ऑफ फॉलोइंग रीजन्स कौन सा रीजन है जिसके कारण क्लोनल वेरिएशन काफ़ी एडवांटेजियस uh, हो जाते हैं काफ़ी लाभदायक हो जाते हैं देर आर एबनॉर्मिलिटीज इन क्रोमोजोम्स इस रीजन के कारण ये एडवांटेजियस है कि क्रोमोजोम्स में एबनॉर्मिलिटीज होती है सो so ये स्टेटमेंट रोंग है मोनोजोमिक्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इससे मोनोजोमिक प्रोड्यूस की जा सकती है ये भी गलत है एनरिचमेंट ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी कैन बी अकर दिस स्टेटमेंट इज राइट या सोमा क्लोनल वेरिएशन ये प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक को यूज़ करके क्रॉप प्लांट्स में वेरिएशंस को क्रिएट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे बहुत ही आसानी से क्रॉप प्लांट्स की क्रॉप प्लांट्स uh, को हम इम्प्रूव कर सकते हैं उनकी वेराइटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं तो सोमा क्लोनल वेरिएशन एडवांटेजियस होते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी को क्रिएट करने के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी को जनरेट करने के लिए सो ऑप्शन सी इज़ राइट हीयर नेक्स्ट हाउ मैनी हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स यूटिलाइज इन द एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ठीक है प्रोटीन सिंथेसिस के समय जब अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होता है उस समय कितने जो है फॉस्फेट बॉन्ड यूटिलाइज होते हैं फोर वन टू और थ्री ऑप्शन सी इज राइट यर टू नेक्स्ट है फाइव एस आर एन ए सब यूनिट इज सिंथिस इन इसमें ये यूनिट जो है फाइफ एस आर एन ए सब यूनिट राइबोसोम की सिंथेसाइज होगी कैरियो प्लाज्मा में साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस में बोथ ए एंड बी तो ऑप्शन बी इज राइट एयर न्यूक्लियोलस में ठीक है इसमें ये जो है फाइफ एस राइबोसोमल आर एन ए यूनिट सिंथेसाइज होती है नेक्स्ट विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ म्यूटेशन म्यूटेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है रिकॉन म्यूटॉन सिस्ट्रोन और नन ऑप्शन बी इज राइट ईयर म्यूटॉन ये म्यूटेशन की यूनिट होती है रिकॉन रिकॉम्बिनेशन की यूनिट है एंड सिस्ट्रोन में एक जेनेटिक कोड होता है ठीक है नेक्स्ट है एनजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाज डिस्कवर्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम किसने डिस्कवर किया टेमिन एंड बाल्टीमोर ने हैमिल्टन एंड स्मिथ लिन एंड आर्बर और नन ऑफ द अपॉ ऑप्शन ए इज राइट ईयर टैमिन एंड बाल्टीमोर ने नेक्स्ट रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज पी बी आर थ्री टू टू और पी बी आर थ्री इज राइट ईयर पी बी आर विच एंजाइम हाइड्रोलाइजेस फास्फो बॉन्ड ऑफ डीएनए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएनए के फास्फो बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करने के लिए मीन्स ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम काम में लिया जाता है एंड्रो एंडोन्यूक्लियस लाइगेस और पॉलीमिरेस ऑफ द अब ऑप्शन इज राइट हियर न्यूक्लियस नेक्स्ट है नदन ब्लॉटिंग इज रिलेटेड टू नदन ब्लॉटिंग किससे रिलेटेड है आपने नदन वेस्टर्न एंड सदन ब्लॉटिंग पढ़ा होगा डीएनए से आरएनए से प्रोटीन से या ऑल ऑफ ब्लॉटिंग इज रिलेटेड विद आरएनए एन सदन ब्लॉटिंग डीएनए के लिए होती है वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए होती है नेक्स्ट है इन दी प्रेजेंस ऑफ व्हिच हार्मोन बड डेवलप्स इनटू शूट किस हार्मोन की प्रेजेंस में बड का डेवलपमेंट शूट में होता है साइटोकाइनिन ऑक्सिन जिबरेलिन और नन ऑफ द अबव ऑप्शन ए इज राइट हियर साइटोकाइनिन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ लाइट अफेक्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ लाइट का ब्लू कलर फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है रूट लीफ सीड और शूट ऑप्शन डी इज राइट एयर शूट नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉयल रॉयल फॉर द फर्स्ट टाइम सबसे पहले किसने को कल्चर किया जॉर्ज ईसी कुकिंग टी मुराशिक और पी महेश्वरी ऑप्शन ए इज राइट ईयर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वायरस आर एन ए इज डबल स्टैंडर्ड आर एन ए मीन्स किस वायरस का जो आर एन ए है वो डबल स्टैंडर्ड है

कौन सा जो है पार्टिसिपेट करता है आर एन ए पॉलीमिरेज फर्स्ट आर एन ए आरएनए सेकेंड आर एन ए थर्ड और ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज राइट हियर ऑल ऑफ द अबव नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग फोटो सिंथेसिस फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द कैलविन साइकिल इज कैलविन साइकिल का फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है राइबुलोज बिस्फॉस्फेट फॉसफो गेट पायरुवेट और ग्लिस ऑप्शन डी राइट प्रोडक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूलिस पी जी ए एल एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितनी बार कैल्विन साइकिल चलेगा हाउ मैनी टर्न्स ऑफ द कैल्विन साइकिल वन टू थ्री एंड सिक्स ऑप्शन सी इज राइट या तीन बार जब कैलविन साइकिल चलेगा तब एक मॉलिक्यूल बनेगाक्सिलेशन सबस्ट्रेट लेवल फॉर्सफोराइलेशन और फोटो फॉर्सफोराइलेशन और रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन तो कैलविन साइकिल में आपने पढ़ा होगा इसके तीन मेन स्टेप होते हैं फर्स्ट स्टेप में फिक्सेशन होता है फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेकेंड स्टेप में रिडक्शन होता है एंड थर्ड स्टेप में रिजनरेशन होता है ठीक है रिजेनरेशन जिससे कि राइबुलोस वन फाइव डाइफॉसफेट दोबारा बनता है और साइकिल स्टार्ट होता है दोबारा से साइकिल स्टार्ट होता है तो कैलविन साइकिल क्या है ये रिडक्टिव कार्बोक्सीन को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप्शन डी इज राइट हिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अकर्स इन फोटोसिंथेसिस के समय में जो सुक्रोज सिंथेसाइज्ड होता है वो कहाँ पर होता है क्लोरोप्लास्ट में साइटोसोल में वैक्यूओल में और एमाइलोप्लास्ट में ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है साइटोसोल में सुक्रोज का सिंथेसिस होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सिंथेसिस ऑफ स्टार्च एंड सुथ्रोस इन प्लांट्स यहाँ पर प्लांट्स में स्टार्च एंड सुख्रोस का सिंथेसिस के रिस्पेक्ट में देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारे को करक्ट दे रखा है स्टार्च इज सिंथेसाइज इन दी माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड सुथरोस इन दी क्लोरोप्लास्ट तो ये स्टेटमेंट जो wrong है ये रोंग है नेक्स्ट है स्टार्च इज सिंथेसाइज इन साइटोसोल एंड सुक्रोज इन क्लोरोप्लास्ट ये भी रॉन्ग है नेक्स्ट है स्टार्च इज सिंथेसाइज इन द क्लोरोप्लास्ट तो स्टार्च का सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है लेकिन बच्चों आप सारे ऑप्शन पढ़ा करें एंड सुक्रोज इन माइट्रोकॉन्ड्रिया तो ये गलत है ठीक है सुक्रोज माइट्रोकॉन्ड्रिया में सिंथेसाइज्ड नहीं होता इसलिए ऑप्शन सी भी यहाँ पर रॉन्ग हो गया स्टार्च इज सिंथेसाइज इन द क्लोरोप्लास्ट

कौन से प्रोसेस में रिलीज होगी ठीक है ग्लाइकोलाइसिस में क्रेप साइकिल में इलेक्ट्रेट फर्मेंटेशन में और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में तो ऑप्शन भी यहां पर राइट है क्रेप साइकिल में नेक्स्ट है इनसाइड एंड एक्टिव माइट्रोक्रॉन्ड्रिया मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो सॉरी फोलो विच पाथवे ठीक है माइट्रोक्रॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का कौन सा पाथवे होता है इलेक्ट्रॉन कौन से पाथवे को फॉलो करते हैं ग्लाइकोलाइसिस देन एन ए डी एच पाथवे देन ऑक्सीडेटिव फॉसफोराइलेशन देन ए टीपी देन ऑक्सीजन तो ये जो पाथवे रॉन्ग है क्रेप साइकिल एफ ए डी एच टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देन दे एंटर करेगा देन ए टीपी तो ये भी गलत है ई टी एस उसके बाद क्रेप साइकिल स्टार्ट होगा देन ए टीपी देन ऑक्सीजन दे दे ये भी गलत है करेक्ट पाथवे क्या है क्रेप साइकिल एनएडीएच देन ई टी एस दैन ऑक्सीजन तो ऑप्शन डी इज राइट हेयर नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन ए डी प्लस आर ट्रू एक्सेप्ट एन ए डी प्लस के लिए सभी स्टेटमेंट सही है एक को छोड़ कर तो यहाँ पर भी हमें सारे स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ने हैं एन ए डी प्लस इज रिड्यूस टू एन ए डी एच ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस एंड डी साइकिल ठीक है तो ये स्टेटमेंट सही है ग्लाइकोलाइसिस हो या साइकिल हो दोनों में ही क्या होता है एनएडी प्लस जो है एनएडीएच में रिड्यूस हो जाता है नेक्स्ट है एनएडी प्लस हैज मोर केमिकल एनर्जी देन एनएडीएच तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है एनएडी प्लस इसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है एन में ज़्यादा एनर्जी होती है ठीक है तो हमारे को यही तो ऑप्ट करना था एनएडी प्लस आर ट्रू सभी सही है लेकिन एक को छोड़कर तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है ठीक है तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है नेक्स्ट देख लेते हैं एनए डी प्लस इज रिड्यूज बाई द एक्शन ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड डिहाइड्रोजीनस तो ये स्टेटमेंट भी सही है एन ए डी प्लस कैन रिसीव इलेक्ट्रॉन्स फॉर यूज इन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन तो ये स्टेटमेंट भी सही है तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बी वाला जो स्टेटमेंट है एन ए डी प्लस हैज़ मोर केमिकल एनर्जी देन एन ए डी एच ये स्टेटमेंट सही नहीं है एन ए डी प्लस के पास में एन ए डी एच के कंपेरिजन में कम केमिकल एनर्जी होती है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोविंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट का हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को बताना है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स ये प्री फर्टिलाइजेशन पीरियड है एम्ब्रो डेवलपमेंट ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है सो ऑप्शन बी इज राइट है बट अनदर ऑप्शन देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर ये भी रॉन्ग है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रोसे तो ये भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में है ठीक है तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया नेक्स्ट है इन 2005 थाउजेंड फाइव फॉर ईच ऑफ द 14 मिलियन पीपल प्रेजेंट इन अ कंट्री पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर यूजिंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन टू इज प्रिडिक्टेड एस मतलब हमें टू में पॉपुलेशन दे रखी किसी कंट्री की फोर्टीन मिलियन है ठीक है बॉर्न uh, कितने हुए 0.028 पॉइंट जीरो टू एट एंड डाइड हुए हैं पॉइंट जीरो जीरो एट यहाँ पर हमें डेटा दे रखा है अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को अगर हम यूज़ करते हैं तो टू थाउजेंड फिफ्टीन में उस कंट्री की पॉपुलेशन का प्रिडिक्शन क्या होगा कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी ठीक है ये जो फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का ये क्या है डी एन बाई डी टी इजिकल टू आर एन आर आप डिफरेंस निकाल लेंगे पॉइंट जीरो टू एट बॉर्न हुए पॉइंट ये डाय हुए है तो आर अपना आ जाएगा पॉइंट जीरो टू ठीक है एंड टू थाउजेंड फाइव में इनिशियल हमें कितना नंबर दे रखा है पॉपुलेशन 14 मिलियन दिया हुआ है टाइम पीरियड में कितना है टू थाउजेंड फिफ्टीन माइनस टू थाउजेंड फाइव टेन ईयर्स हमारे को दे रखा है ठीक है तो डी टी की वैल्यू आ गई टेन ईयर्स एंड डी एन ये हम कैसे निकालेंगे एक साल का हमारे को दे रखा है कितना रेट से इंक्रीज़ हो रही है पॉइंट जीरो टू ठीक है पॉइंट जीरो टू और कितनी पॉपुलेशन है फोर्टीन मिलियन है ठीक है फोर्टीन से मल्टीप्लाई कर देंगे और टेन इयर्स के लिए कितना हो जाएगा इन टू टेन ठीक है इसको अब हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा टू पॉइंट एट ठीक है तो डी एन कितना आ गया हमारे पास टू पॉइंट एट तो डी एन टू ये हो जाएगा एंड 2015 2015 फिफ्टीन फिफ्टीन में कितनी पॉपुलेशन माइनस 2005 फाइव में पॉपुलेशन तो हमसे ये पूछा हुआ है ठीक है 2015 फिफ्टीन में कितनी टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी तो 2015 फिफ्टीन इसको हम इधर ले आएंगे तो एंड 2005 फाइव प्लस डी एन ये हो जाएगा 2005 है 14 है डी एन हमने निकाला है टू पॉइंट एट तो टोटल तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन टू थाउजेंड फिफ्टीन कितनी हो जाएगी सिक्सटीन पॉइंट एट मिलियन ठीक है तो नियरली ये हो गया हमारा जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर सेवनटीन मिलियन तो ऑप्शन बी इज राइट ईयर टू थाउजेंड फिफ्टीन में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो सिक्सटीन पॉइंट एट या सत्रह मिलियन के आसपास हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज फोन बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से कौन सा कंपाउंड बनता है हेरोइन कोकेन टोबेको और मेरिजोना सो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है हेरोइन इसमें मॉरफिन के दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एसिटाइलेशन होता है जिससे हीरोइन बनता है ये जो क्वेश्चन है ये एज इट इज़ क्वेश्चन क्लास ट्वेल्थ नीट में भी पूछा गया है तो स्टूडेंट्स आप लोग अपने पीजी के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये आपको एडवाइस करूंगी कि आप क्लास एलेवेंथ एंड क्लास ट्वेल्थ का एन बायोलॉजी को एक बार ज़रूर पढ़ लेना इससे क्या आपके बेसिक कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएंगे डेफिनेशनस हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं ये आपके एंट्रेंस uh, में पूछे जा सकते हैं Next question है। फ्लोरल वर्ल्ड आर मींस जो हमारे को टर्म्स दे रखी हैं। फ्लोरल वर्ल्ड के लिए तो कौन सी टर्म टेक्निकली करेक्ट नहीं है उसको तो हमें देखना है एंड्रोशियम कार्पल कोरोला एंड सेपल तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कार्पल हम जो है फ्लोरल वर्ल के लिए यूज नहीं करते हम गायनोशियम को यूज करते हैं ठीक है इसी तरह सेपल नहीं होता हम कैलिक्स यूज करते हैं ठीक है यहां पर कैलिक्स आएगा और यहाँ पर गायनोशियम आएगा तो कौन सी सही नहीं सेकंड एंड फोर्थ कहाँ पर हमारे को दे रखा है ऑप्शन सी में दे रखा है तो ये वाला स्टेट जो है ऑप्शन है हम ऑप्ट कर लेंगे नेक्स्ट है द टेक्नोलॉजी ऑफ बायो गैस प्रोडक्शन फ्रॉम काउ डंग वाज डेवलप्ड इन इंडिया लार्जली ड्यू टू दी एफर्ट्स ऑफ किसके एफर्ट्स के कारण मीन्स कौन कौन सी संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व है ठीक है जिसके कारण बायोगैस प्रोडक्शन इंडिया में लार्ज स्केल पर किया जा रहा है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आई ए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दी स्टेटमेंट्स गिवन बिलो डिस्क्राइब सर्टेन फीचर्स दैट आर ऑप्टेंड इन दी पिस्टिल्लार्स फ्लार्स के पिस्टिल के लिए कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं पिस्टल में हैव मैनी कार्पल्स तो ये स्टेटमेंट सही है पिस्टिल में कई कार्पल होते हैं ईच कार्पल में हैव मोर देन वन ओव्यूल प्रत्येक कार्पल में एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं ये भी सही है ईच कार्पल हैज ओनली वन ओव्यूल प्रत्येक कार्पल में केवल एक ही ओव्यूल होता है तो ये स्टेटमेंट गलत है पिस्टल हैव ओनली वन कार्पेल पिस्टल में केवल एक ही कार्पल होता है ये भी गलत है हमने मोनोकार्पेलेरी एंड मल्टी कार्पिलेरी ओवरी पढ़ी है अब हमारे को एक करेक्ट ऑप्शन को ऑप्ट करना है ऑप्शन ए एंड बी ए एंड सी बी एंड डी एंड सी एंड डी तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन यहाँ पर राइट है ऑप्शन ए राइट है एंड ऑप्शन बी राइट है सो so, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वन ए एंड बी आर राइट फॉर गिवन ऑप्शन स्टूडेंट्स आज हमने प्लांट फिजियोलॉजी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इकोलॉजी एंड एनजोस्पम इस टॉपिक में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बीएचयू के एंड डेली यूनिवर्सिटी के हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे साथ ही हम टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे किसी टॉपिक को आपने पढ़ना है आपको रिवीजन करना है तो वो मुझे कमेंट करके बताइए उसका मैं यहाँ पर रिवीजन भी करा दूंगी वन मंथ के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगी आपको अपनी तैयारी करने के लिए आप क्लास इलेवेंथ एंड क्लास ट्वेल्थ का एन को एक बार थॉरॉली पढ़ लें इसके साथ ही आप इम्पॉर्टेंट अब जो है फ्लैश कार्ड लाइक अपने नोट्स बना बनाकर भी आप पढ़ सकते हैं जो भी आपका सिलेबस आपके लाइफ साइंसेस एंड बॉटनी में दिया हुआ है और साथ ही हर टॉपिक के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप कम से कम फिफ्टी टू हंड्रेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी जरूर से सॉल्व करें जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा आपने जो भी पढ़ा है उसकी रिकॉलिंग होगी थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स आपके कोई भी क्वेरी है डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच